आज मेरी बेटी ने बोला कि मुझे केक खाना है, तो मेरे पास ओरियो बिस्किट रखा हुआ था, तो मैंने आज इस ओरियो बिस्किट से एकदम आसान तरीके से केक बनाया है। ये मैंने एक पैकेट बिस्किट का लिया और वो मैंने मिक्सर जार में डाल दिया। आपके पास मिक्सर जार अगर नहीं है तो आप ऐसे ही तोड़कर इसे अच्छे से पीस सकते हैं, इन बिस्किट का पाउडर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से पीस लिया, इसका पाउडर बना लिया। आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं, अगर ये बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बन पाया है तो आप इसे छान कर अलग से फाइन पाउडर निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने इन बिस्किट का चॉकलेट नहीं निकाला था, मैंने इनके साथ चॉकलेट के साथ ही इसको अच्छे से पीस लिया है और पाउडर तैयार कर लिया है। तो जैसे ही हमारा पाउडर तैयार होता है, हम इसे अलग से बाउल में निकालते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 चम्मच इनो का, ये देखिए। और आप ये इनो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा केक बड़ा बना रहे हैं छोटा बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर अब दूध लिया है और दूध लेकर मैंने इसे अच्छे से बैटर में तैयार कर लिया है। और आप देख रहे हैं, मैं यहाँ किसी और बीटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर चम्मच से ही ये अच्छे से इसका पेस्ट बना रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से बन गया है, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है हाथ से। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में ये बटर पेपर लगा लिया है। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो सिंपल प्लेन पेपर लेकर उसे उसी साइज में काट के उस पर बटर लगा सकते हैं, तो वो बटर पेपर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने ये ऐसे पेपर लगाया है और बटर भी लगा दिया है, और जो हमने ये बैटर तैयार किया था अब हम इसमें ये डाल रहे हैं और इसे अब हम बेक करेंगे। अब देखिए, ये यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई को गर्म कर लिया है, ये रखा है और ऊपर से हमने ये बर्तन इस पर ढक दिया है। और 20 मिनट के बाद मैंने देखा है, इसे हम चेक करेंगे ये बना है पूरा अच्छे से या नहीं। इसके लिए टूथपिक का यूज़ किया है, ये एकदम से साफ़ निकल के आई है। अगर ये साफ़ निकल कर नहीं आती है, इस पर केक लग कर आता है, तो ये हमारा अभी अच्छे से नहीं पका है, तो थोड़ी देर और पकाएंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा पानी लिया है और एक बाउल में मैंने ये वाइट कलर की चॉकलेट ली है। इस चॉकलेट को हम यहाँ पर मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद ये तैयार हो जाएगा हमारे केक के ऊपर डेकोरेट करने के लिए। अब हमारी ये चॉकलेट बिल्कुल तैयार है, मेल्ट हो गई है। अब हम इसे एक साइड रखेंगे और अपने केक को देखते हैं। ये देखिए, ये केक अब हम एक प्लेट में लेंगे और उससे पहले हम इसे साइडों से हटा लेंगे। आप एक नाइफ़ का यूज़ भी कर सकते हैं, मैंने टूथपिक का ही किया है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर प्लेट ली है और प्लेट को ऐसे मैंने ऊपर से ढका है और पलट दिया है। अब ये देखिए, हमारा केक निकल गया है। यहाँ से ये हम बटर पेपर भी हटा देंगे और उसके बाद हम काम करेंगे इसको अच्छे से डेकोरेट करने का। अब मैं बताती हूँ कि हमने यहाँ पर मैंने शुगर सिरप डाला है। शुगर सिरप से भी हमारा जो केक है टाइट कड़क नहीं होता है, सॉफ्ट रहता है। और अब इसके ऊपर मैं ये क्रीम डाल दूँगी। मैं पहले थोड़ी क्रीम डालूँगी और ये क्रीम धीरे धीरे ये इसमें अंदर भी चली जाएगी। ये देखिए, और थोड़ी देर बाद मेरी ये जो चॉकलेट है वो भी इससे ज़्यादा टाइट होगी और मैं फिर इसको दोबारा से इस केक के ऊपर डालूंगी। ये देखिए, ये जितना इधर उधर निकलना था वो निकला और अंदर चला गया है। और ये अब जो मैंने दोबारा से क्रीम डाली है चॉकलेट की, मेल्ट की थी जो, वो अब इसके ऊपर ही रहेगी, वो अंदर नहीं जाएगी। और अब हम यहाँ पर मैंने लगाए हैं जैम्स, लेकिन मेरी बेटी को ये जैम्स ज़्यादा शायद पसंद नहीं आए हैं। वो मतलब अपने तरीके से इस केक को सजाना चाहती थी, तो आपको वो केक भी मैं दिखाऊंगी कि उसने इस केक को कैसे सजाया है। तो ये थी हमारी आसान रेसिपी, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आपको अगर मेरी बेटी का बनाया हुआ मतलब सजाया हुआ केक देखना है, उसने कैसे डेकोरेट किया है, तो वो भी चलो आपको दिखाते हैं। आपको किसकी डेकोरेशन, किसका सजाया हुआ केक अच्छा लगा है मुझे ज़रूर बताइए, मेरा या मेरी बेटी का। तो ऐसी ही रेसिपी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।